Hello friends, welcome to my channel Sketching Challenge Day 10 with pen, marker and color pencil. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. शुरू करने के लिए नज़र डालते हैं एक बार फिर से अपने पुराने आर्टवर्क पे, किस तरीके से हमने डे वन से शुरू किया था. देन उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप के हमने फिगर ड्राइंग एंड बाकी अदर आर्टवर्क किए हैं. तो उसी तरीके से दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हम अपना शुरू करते हैं नया चैलेंज. तो आज हम दोस्तों शुरू करने के लिए वही 6B स्टेडलर पेंसिल को जो है यूज़ करने वाले हैं और शुरू करते हैं अपना एक बेसिक छोटे से टॉपिक के साथ. जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि आप बार बार ये सोचें कि मैं यार क्या बनाऊँ अपनी स्केचबुक में, किस तरीके से अपनी स्केचबुक को ज़्यादा अच्छा बनाऊँ. तो दोस्तों शुरू करते हैं हमेशा छोटे छोटे टॉपिकों से. जैसे कि अब आप दोस्तों यहाँ पर शो करने वाले हैं एक बोर्ड का सीन. मैं दोस्तों बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बोर्ड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेन, मार्कर एंड कलर पेंसिल. और पेंसिल अब दोस्तों हम यहाँ पर यूज़ कर ही रहे हैं. तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हम जो है पहले यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट जो हमें अपनी बोर्ड का चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव जिस तरीके से हमें जो है व्यू बनाना है, हमने इस तरीके से यहाँ पर व्यू बना लिया है. और जो भी चीज़ हमें इसमें शो करनी होगी उन सब चीज़ों को बड़े आराम से और बढ़िया तरीके से स्केचिंग के पर्पज़ से हम शो करेंगे. आप ये भी देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हम जो भी काम इस स्केचबुक में कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आप उसको रियलिस्टिक नहीं कह सकते. प्लस ये कह सकते हैं कि हाँ यार एक बंदा अगर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ अपने छोटे छोटे टॉपिकों को जो स्टडी करता है वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, चाहे वो इंक हो, वाटर कलर हो, पेन हो, पेंसिल हो, सारे के सारे कंसेप्ट दोस्तों मैं इस स्केच बुक में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. और कोशिश करूँगा दोस्तों रियलिस्टिक वर्क भी जो है धीरे धीरे इसके अंदर एड ऑन करना शुरू करूँ, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि किस तरीके से जो है काम किया जा सकता है. तो ये देखिए किस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर जो है काम करते जा रहे हैं और अपने बेसिक कंसेप्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं. मेन बात यह है कि दोस्तों बेसिक को बार बार मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि बेसिक के ज़रिए ना मुझे एक्चुअली देखिए बेसिक करने में तो मज़ा बहुत आता है और बेसिक के थ्रू मेरी बाकी सब चीज़ें भी इंप्रूव बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. तो अब यहाँ पर पेन का दोस्तों मैं जो है यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों इसकी जो बाकी अदर डिटेल्स एंड जो भी कंसेप्ट इसमें मुझे अब ऐड करना है वो सारी चीज़ें पेन से हम यहाँ पर करना शुरू कर देंगे. और ब्रस्टो कंपनी का दोस्तों फाइन लाइनर पेन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ. तो नॉर्मल पेन नहीं है ये, मतलब जो फाइन लाइनर पेन होते हैं आजकल माइक्रोन के भी आते हैं, ब्रस्टो के भी आते हैं, अदर ब्रांड्स के भी आजकल आने लग गए हैं, वो पेन आप यूज़ कर सकते हैं. अच्छी बात क्या होती है इनमें इंक ज़्यादा फ्लो नहीं होती है. तो ये देखिए किस तरीके से हम जो है अपना कंटिन्यूस मूवमेंट हाथ चलाते हुए बाकी सब चीज़ों को यहाँ पर कर रहे हैं. स्केचिंग का एक दूसरा मतलब दोस्तों ये भी है कि अपने हाथों का ना एक कंटिन्यूस फ्लो आपको रखना होगा, यानी कि कोशिश ये करनी होगी कि बहुत ज़्यादा रुक रुक के नहीं, थोड़ा सा एक फ्लो के साथ आपको जो है काम करना है, कंटिन्यूस फ्लो के साथ आपको काम करना है. एंड देन चीज़ें उसमें जो है धीरे धीरे अपनी जो है ऐड ऑन करती जानी है. तो ये देखिए किस तरीके से हम जो है इसमें चीज़ें बनाते जा रहे हैं. और बहुत ज़्यादा देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमेशा हर दिन बहुत ज़्यादा टफ लेवल अपने लिए उठाएं, डेली का खुद को बस ये चैलेंज ज़रूर दे कि आपको स्केचिंग करनी डेली है. इतना सोचने पर भी ना आपका दिमाग आपको अपने आप आइडियाज़ देने लगता है, अपना लेवल कितना आपको और ज़्यादा अपग्रेड करना चाहिए ये समझाने लगता है. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं जो है डेली आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग डेली जो है चैलेंज वाइज या फिर डेली आप जो है कुछ ना कुछ अपनी फाइल में ज़रूर करें, जिससे कि आपको भी ये फील होता रहे, रियलाइज़ होता रहे कि आप अपने स्किल्स को हर दिन जो है इम्प्रूव कर रहे हैं. तो ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे इसमें जो है बाकी सब चीज़ें ऐड करते रहेंगे और कुछ जगहों पर कलर पेंसिल का भी इस्तेमाल करेंगे. और जो हमारा एल्कोहलिक मार्कर है दोस्तों, एल्कोहल बेस्ड मार्कर, उसको भी जो है दोस्तों यूज़ करेंगे. तो और कोशिश करेंगे अपने इस स्केच को जो है बढ़िया तरीके से हाईलाइट करने की.